गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। 11th साइकोलॉजी क्लास में चल रहे हैं हम, और हमारा टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हमने बनाए थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS एंड देन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन को स्टडी किया था। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट स्पाइनल कोड को स्टडी करेंगे कि स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर, स्पाइनल कोड के फंक्शंस, ये सब आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। सो लेट्स सी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ लाइक अ लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन ऑफ नर्व्स, एक लंबी रोप की तरह होता है। इसमें कलेक्शन ऑफ नर्व्स फाइबर हमारी होती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ होता है, इट रन्स अलोंग द फुल लेंथ इनसाइड द स्पाइन, स्पाइन के अंदर बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये हमारा साइड व्यू है और ये इसका बैक व्यू है। स्पाइनल कोड के स्ट्रक्चर में जो इसका वन एंड होता है, दैट वन एंड इज़ अटैच्ड विद द ब्रेन अलोंग विद मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जो एक्सटेंशन है वही हमारी स्पाइनल कोड होती है, और जो इसका सेकेंड एंड है, टेल एंड है, वो फ्री होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हमने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द नर्व्स कि कुछ नर्व्स इसकी तरफ आती हैं और कुछ नर्व्स इनकी तरफ से जाती हैं। जो नर्व्स स्पाइन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं उनको हम कहते हैं एफरेंट नर्व्स। ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं ये सेंसेस से लेकर आती हैं, इसलिए इनको सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। सेंसरी नर्व्स, एफरेंट नर्व्स ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस टू द स्पाइन, और स्पाइन तक लाने के बाद फिर स्पाइन से उस इंफॉर्मेशन को हमारे अनदर बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इफरेंट नर्व्स। तो एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स के बीच में जो मैसेजेस पास होते हैं वो करते हैं हमारे एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं स्पाइन में, दैट वी हैव टू स्टडी। ये जो हमारा स्पाइनल कोड का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, इसमें बटरफ्लाइज जैसी शेप्स हैं। इनमें से हम एक बटरफ्लाई निकाल रहे हैं और यहाँ हम प्रॉपरली आपको बटरफ्लाई एक स्पाइन के अंदर का मटेरियल शो कर रहे हैं। स्पाइन, स्पाइनल कोड में और ब्रेन में भी वैसे तो होता है, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। ब्रेन में और स्पाइनल कोड में इनकी लोकेशन बिल्कुल अपोजिट होती है। स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर डीप इनसाइड होता है और वाइट मैटर साइड में होता है, और ब्रेन में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि वाइट मैटर इनसाइड होता है और ग्रे मैटर उसकी दोनों साइड्स में होता है। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर का क्या फंक्शन होता है, ग्रे मैटर में न्यूरॉन सेल्स होती हैं, और जो ग्रे मैटर होता है, दिस ग्रे मैटर इज़ इन्वॉल्व्ड इन द मसल कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन मींस हमारी मसल्स को कंट्रोल करने में ग्रे मैटर इन्वॉल्व होता है, और सेंसेस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना जैसे कि देखना, सुनना, मेमोरी मेंटेन करना, हमारी स्पीच, हमारी डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड हमारे इमोशंस को भी रेगुलेट करता है ये ग्रे मैटर। और जो वाइट मैटर होता है, बहुत लंबे टाइम तक ये माना जाता था कि वाइट मैटर इज़ अ पैसिव थिंग, इसका कोई रोल नहीं है, बट आफ्टर ग्रेजुअल रिसर्चेस वी केम टू अ रिजल्ट दैट वाइट मैटर जो होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन को डिफरेंट ब्रेन रीजन में, जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड विच आई हैव शोन यू। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम जब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, दैट वी हैव टू सी। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड, फर्स्ट पॉइंट है दैट स्पाइनल कोड इज़ अ लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, नेचुरली इसमें नर्व्स होती हैं। इट रन्स अलोंग द फुल लेंथ इनसाइड द स्पाइन, ये इसका लोकेशन हो गया। फिर इसका जो वन एंड है दैट इज़ कनेक्टेड विद द मेडुला ऑफ द ब्रेन, एक तरीके से मेडुला का ही एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कोड। एंड अनदर एंड इसका फ्री होता है टेल एंड पे। बटरफ्लाई शेप्ड मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कोड विच कंटेन्स एसोसिएशन न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स आई टोल्ड यू जो एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व के बीच में मैसेजेस को पास ऑन करता है, विच आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कोड एज वेल। नाउ सराउंडिंग द ग्रे मैटर इज द वाइट मैटर। अभी आपको बताया कि ग्रे मैटर की जो सराउंडिंग होती है उस पर वाइट मैटर होता है, और उसमें वो बना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग न्यूरल ट्रैक से। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन आई हैव जस्ट टोल्ड यू थ्रू द
एफरेंट एंड ईफरेंट नर्व कि ये सेंसरी इम्पल्सिस को कमिंग फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन मैसेजेस को पास ऑन करता है, हमारी बॉडी की सेंसेस से जो मैसेज आते हैं उनको ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन से जो मैसेजेस आते हैं उनको मोटर इम्पल्सिस के थ्रू अदर पार्ट्स की तरफ लेके जाता है। सेकेंड फंक्शन इसका, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिफ्लेक्स एक्शन, दैट व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिसके लिए हमें कोई हार्डवर्क या हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये डायरेक्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आईज़ की ब्लिंकिंग है, जब हमारी तरफ कोई चीज़ बॉल फेंकता है सपोज़, तो हम एकदम से साइड होते हैं, उसके लिए हम एफर्ट नहीं कर रहे होते, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमें जो ऑर्डर दे रहा होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी हॉट थिंग को टच किया तो आपका हैंड एकदम से पीछे हो गया, कैसे? क्योंकि आपके हैंड ने टच किया हॉट सरफेस, वहाँ से आपका स्किन का एक सेंस ऑर्गन का फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो वो जो मैसेज गया आपकी ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने वो एफरेंट नर्व के थ्रू गया और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने हमें मोटर ऑर्गन को जो ऑर्डर दिया एफरेंट नर्व के थ्रू, तो हमने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब ये जो मैसेजेस जा रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये इतना फास्ट एक्शन होता है कि इसमें सेकेंड्स से भी कम टाइम लगता है। आप सोच के देखो कि जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हो तो आप कितनी जल्दी अपना हैंड वहाँ से रिमूव करते हो। तो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जैसे कि ब्रीदिंग है, सच काइंड ऑफ एक्शंस जिसमें हमारे एफर्ट्स की नीड नहीं होती है। ये हमारे जो फंक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड वेरियस पोस्चर, बिकॉज ये आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, हमारी पूरी बैक में सिचुएटेड है, ठीक है? तो बैक की जो हमारा स्ट्रक्चर है यही हमारे बैलेंस को और हमारे पोस्चर को, मीन्स बैठना, खड़े होना, लेटना, इन सबको ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मेनली आपने सिर्फ ये याद रखना है दैट इट इज़ अ लॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर। नंबर वन, वन एंड इसका ब्रेन से एसोसिएटेड है, वन एंड इसका फ्री होता है। इसमें नर्व्स एसोसिएटेड होते हैं जिसमें एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स मेन होती हैं। एफरेंट नर्व्स सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर आती हैं, इफरेंट नर्व स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को अदर ब्रेन पार्ट्स पे लेके जाती हैं, और एफरेंट और इफरेंट के बीच में जो न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं उनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहते हैं। प्लस इसमें जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है एक ग्रे कलर का और उसकी सराउंडिंग होती है वाइट कलर की। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शनिंग में आई हैव टोल्ड यू दैट इट पासिस द मैसेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स। सेकेंडली इट परफॉर्म्स रिफ्लेक्स एक्शंस एंड थर्ड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड वेरियस पोस्चर्स। तो ये हमारा आज नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में स्टडी किया था, PNS पेरिफेरल, CNS सेंट्रल। सेंट्रल के टू पार्ट्स थे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो टुडे वी हैव डन कंप्लीट नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आर एंडोक्राइन सिस्टम। हैव अ गुड डे।